तक आज मैं रवा ढोकला की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो बहुत ही चटपट और बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बाजार से भी अच्छा बनेगा और आप भी ज़रूर घर में बनाने के लिए उसमें ट्राई कीजिए। ये देखिए मेरे पास में 1 कप रवा है और ये बारीक रवा है। मेरा रवा जाड़ा था तो इसको मैंने मिक्सर में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है और ये इस तरीके से बारीक हो गया है। बहुत अच्छा इसका ढोकला बनेगा और बहुत ही फटाफट बनता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये देखिए 1 कप मेरे पास में ये सूजी है, इसको मैं 1 कप सूजी को ले रही हूँ और इसमें सेम इक्वल क्वांटिटी में मैं दही लूँगी। ये इसके अंदर मैं 1 कप दही डाल रही हूँ। अगर आपके पास में दही ना हो तो आप 2 कप इसमें छाछ ले सकते हैं, छाछ से बना सकते हैं, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, आप इसमें डाल सकते हैं, छाछ भी डाल सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालूंगी, 1 टीस्पून नहीं, 1/4 टीस्पून मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। ये क्रश की हुई हरी मिर्च है जिसमें इसका टेस्ट को बढ़ाएगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा, जिसमें फीकापन ना लगे। और इसके अंदर मैं ये 1 टीस्पून नमक डालूंगी, पूरा फुल भर के नहीं लिया है मैंने। और फिर उसके अंदर मैं अभी शक्कर डालूंगी, चीनी डालूंगी, 1 टीस्पून ये शुगर डाली। अगर आपकी मर्जी है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिए शुगर, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाता है, बहुत ही अच्छा लगता है अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा चीनी को ऐड करते हैं। ये 1 टीस्पून ऑयल, ये हो गया 2 चम्मच हो गए हमारे तेल के, और इसको हम मिक्स कर लेंगे काफ़ी अच्छे से। इसको मिला के हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा बनता है। दही आपका थोड़ा सा हल्का खट्टा हो तो ज़्यादा फ्लेवर को बढ़ाता है, एकदम मीठा दही होगा तो नहीं अच्छा रहेगा, हल्का दही खट्टा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये हमारे ढोकले का इतना अच्छा और टेस्टी बनता है ये। इसमें हल्का सा पानी मैं ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, एक साथ में पानी नहीं डालूंगी। ये जितनी आसानी से मैं बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से मिलता है, उसी आसानी से ये बन भी जाता है बहुत अच्छे से। बस अब मैं पानी नहीं इसमें ऐड करूंगी, इतना पानी बहुत हो गया। मैं इसको लीड लगा के रख दूंगी थोड़ा 10 मिनट के लिए। चलिए हम लोग कढ़ाई में पानी डाल के उसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए मैं इसको कढ़ाई में बनाऊंगी ढोकले को। ये एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और इसके अंदर ये मैंने स्टैंड रख दिया। आप कोई भी स्टैंड रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए। मैं इसको गैस को ऑन कर रही हूँ, ऑन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मैं लीड लगा के रख दूंगी 10 मिनट पहले, और ये पहले से गर्म हो जाएगा तो ढोकला बनाने में अच्छे से स्टीम होएगा हमारा ढोकला। ये मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, आप कोई भी थाली ले लीजिए या स्टील का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए जो आपके पास में बेक करने के लिए हो। आपके पास में अगर टिन या ऐसा कुछ बेकिंग ना हो तो आप स्टील की थाली में भी बेक कर सकते हैं उसको। ये मैंने देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसके अंदर, ऑयल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर दूंगी। इसमें ग्रीस करने से क्या होएगा कि हमारा ढोकला इसके अंदर चिपकेगा नहीं, जैसे हम लोग केक बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग ग्रीस करते हैं जिसमें केक ना चिपके, इसी तरीके से ढोकले को भी जो है ग्रीस किया जाता है। ये देखिए अच्छे से ग्रीस हो गया है, सारा ऑयल जितना भी है उनको मैंने अच्छे से फैला दिया। अब इसके अंदर मैं बैटर को ढोकले के डालूंगी। चलिए हम लोग अभी पानी गर्म हो रहा है, फिर डालते हैं बाद में उसको बेकिंग के लिए। देखिए 15 मिनट हो गए, इसको मैंने पानी में सोख करके रवे को रखा हुआ था और ये रवा भी काफ़ी देखिए सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से हमारा रवा भीग गया है और ये बहुत थिक है। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत पतला हो जाएगा तो बनाने में तकलीफ होगी, सेट नहीं होएगा ढोकला। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये इनो, 1 इनो डालूंगी और बहुत ही जल्दी से उसको हमारा ढोकला फूल जाएगा और बहुत अच्छा स्पंची एकदम बनेगा। ये देखिए इनो डिजॉल्व हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। देखिए इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं, थोड़ा सा पानी और डाल लें, बस अब पानी नहीं डालूंगी मैं, हो गया ये। अब इसके मैं टीन के अंदर सेट कर दूंगी इसको। ये देखिए ढोकले का बैटर है ना वो एकदम फूलने लगा है। अब मैं ये टीन के अंदर इसको सेट कर दूंगी अच्छे से, सब पूरा इसमें चला जाएगा।
इसको थोड़ा अच्छा टैप कर देंगे। फिर उसके बाद में देखिए मेरी पानी काफ़ी गर्म हो गया है, पहले से ही रख दिया था। अब इसके अंदर ये मैं रख दूँगी ढोकला। ये 15 मिनट में ढोकला हमारा तैयार हो जाएगा। इसको बराबर से स्टीम कर देना है, इस हवा ज़रा भी बाहर ना निकले उसकी एयर, और मीडियम स्लो पे थोड़ा रखेंगे, ना ज़्यादा स्लो ना फास्ट। और ये 15 मिनट तक के इसी तरीके से रहेगा और फटाफट हमारा ढोकला तैयार हो जाएगा। डू सब्सक्राइब आवर डेजर्ट चैनल बरियाल गनाश एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। चलिए चेक कर लेते हैं ढोकले को, इसको लीड को हटा देते हैं और इस तरीके से नाइफ को ऐसा चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल एकदम साफ है और ढोकला रेडी हो गया। गैस को मैं बंद कर रही हूँ, अब ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में इसको मैं तड़का लगाऊंगी ढोकले को और निकाल देती हूँ, इसको साइड में निकाल के रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। ढोकला ठंडा हो गया है और मैंने इस तरीके से इसको छुरी से यहाँ से किनारे किनारे छुटा दिया था और ये छूट गया है। अब इसको मैं एक प्लेट में लेके इस तरीके से पलट दूंगी। ये देखिए बहुत अच्छा बन गया है हमारा ढोकला। अब मैं इसको तड़का मार दूंगी, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा ढोकला। आप भी ज़रूर कीजिए, बनाइए उसको। चलिए हम लोग इसको तड़का मार देते हैं फटाफट। ये देखिए मैंने तेल ले लिया है और ये एक बड़ा चम्मच तेल है। इसके अंदर मैं राई डालूंगी, मस्टर्ड ये हाफ टी स्पून डाली मैं, और तेल काफ़ी गर्म है इसके लिए राई हो गई है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये तिल के दाने डालूंगी, ये हरी मिर्च भी इसके अंदर जाएगी। करी मिर्च इसी के अंदर जाएगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, गैस को ऑन कर दिया है वापस से, गैस स्लो है। अच्छे से तड़का हो गया है और इसको मैं ये ढोकले के ऊपर डाल दूंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे बरियाल गनाश बरियाल शॉर्ट्स को भी आप लोग फॉलो कीजिए और बरियाल ग्लैमर को फॉलो कीजिए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना है। अभी थोड़ी देर में इसको मैं पीसेस बना दूंगी, कट कर दूंगी। इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया गार्निश कर दूंगी। तैयार है हमारा ढोकला, इसको मैं छुरी से काट डालूंगी। इस तरीके से इसके पीसेस बना देंगे। आपको जिस हिसाब से पीस बनाना हो आप बनाइए, छोटे बड़े। बहुत ही स्पंची और बहुत ही अच्छा बना है ढोकला। ये देखिए एकदम जालीदार ढोकला बना है, बहुत अच्छा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, हमें लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ।